बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ परसेप्शन। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ड्रीम्स एंड साइकोएक्टिव ड्रग्स। दिस टॉपिक इज नॉट लिस्टेड इन एनी वन ऑफ द बुक्स वी आर टीचिंग इन डिफरेंट क्लासेस। सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर सर्चिंग material for this topic. I have tried to search for some comprehensible material, aisa material jo kuch na kuch aapko samajh aa jaye. To thoda scientifically based hai ye. Drugs ke naam bhi honge thode se, aur dreams or sleeps ki physiology bhi isme humne discuss karni hai. To isliye jo hai main कोशिश करूँगी कि आपको इसको ईजी करके समझाऊँ। ड्रीम्स एंड साइको एक्टिव ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टू कॉन्सेप्ट विच आर टू बी डिस्कस्ड लेटर। वन कॉन्सेप्ट इज ड्रीम्स एंड द अदर वन इज साइको एक्टिव ड्रग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट आर ड्रीम्स। ड्रीम्स आर बेसिकली स्टोरीज एंड इमेजेस that our mind creates while we sleep. They can be vivid, they can make you feel happy, sad or scared, and they may seem confusing or perfectly rational. हम सबको मालूम है कि ड्रीम्स क्या होते हैं। जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड जो इमेजेस और स्टोरीज क्रिएट करता है, जो जिससे हम खुश भी होते हैं, एट टाइम्स वी फील सैड और खौफ ज़्यादा भी होते हैं अगर कोई नाइटमेयर हो, ड्रामा ख्वाब हो, और बाज़ औक़ात ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और समटाइम्स दे आर परफेक्टली रैशनल, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह होते हैं। ड्रीम्स कैन हैपन एट एनी टाइम ड्यूरिंग स्लीप, बट यू हैव योर मोस्ट विविड ड्रीम्स ड्यूरिंग फेज कॉल्ड रेम और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इफ़ यू रिकॉल प्रीवियस जो लेक्चर था स्लीप स्टेजेस के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी स्लीप की दो डोमेन टाइप्स हैं। एक नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज होती है, जो कि लाइटर स्लीप होती है, वो गहरी नींद नहीं होती। और दूसरी जो है वो है रेम। रेम मीन्स रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज के दौरान, इसमें आगे मैं आपको इसकी भी पिक्चर भी शेयर करूँगी, तो ये स्लीप जो है, दिस स्लीप स्टेज इज़ कॉल्ड द ड्रीम स्लीप। इसमें ख्वाब आते हैं। तो रेम स्लीप जो है ये डीप स्लीप होती है, और इसमें हम ख्वाब देखते हैं। व्हेन योर ब्रेन इज़ एट मोस्ट एक्टिव, सम एक्सपर्ट्स से वी ड्रीम एट लीस्ट 4 to 6 टाइम्स अ नाइट। तो ब्रेन जो है वो उस वक्त काम कर रहा होता है, और हम 6 to 8 टाइम्स अ नाइट जो है वो ड्रीम करते हैं। और फिर ये है कि कुछ हमें याद रह जाते हैं और कुछ हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहते, और कभी ज़्यादा हम ड्रीम करते हैं और कभी कम। तो ड्रीम्स जो हैं वो हमें ज़ाहिर नींद नहीं आते। हाउ लॉन्ग डू ड्रीम्स लास्ट, कितनी देर रहते हैं। रेम स्लीप लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स अर्ली इन द नाइट, बट गेट्स लॉन्गर एज वी स्लीप। शुरू में ये थोड़ी देरी होती है, लेकिन जब हम सोए रहें तो फिर ये गहरी नींद जो है ये ज़्यादा देर रहती है। लेटर इन द नाइट इट माइट लास्ट मोर देन 30 मिनट्स, सो यू माइट स्पेंड हाफ एन आवर इन अ सिंगल ड्रीम। तो 30 मिनट तक जो रहती है, फिर ये होता है कि ये एक कंटिन्यूटी के साथ नहीं आती नींद। तो कभी हमें हमारी जाग भी होती है, हम करवट भी लेते हैं, तो वो रेम स्लीप जो है वो उस वक्त ख़त्म होती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो हाफ एन आवर का ड्रीम एक हमारा हो सकता है, बाज़ औक़ात इससे लंबे भी होते हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल, वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। व्हाट डू ड्रीम्स मीन। अब साइकोलॉजी में ड्रीम्स की बड़ी सिग्निफिकेंस है, और इसलिए यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड, फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड बिलीव्ड दैट ड्रीम्स आर अ विंडो इनटू आवर सबकॉन्शियस एंड दे रिवील अ पर्सन अनकॉन्शियस डिजायर्स, थॉट्स एंड मोटिवेशंस। इनफैक्ट फ्रॉयड हैज टर्म्ड कॉइंड अ टर्म, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड्स टू द अनकॉन्शियस। हमारे माइंड का वो पार्ट जो आपने पढ़ा भी था पहले फर्स्ट चैप्टर में, माइंड का वो पार्ट जिसमें हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं,
और हमारी प्रीवियस मेमोरीज़ होती हैं जो कि बहुत जो है वो खुशगवार नहीं होती, प्लेजेंट नहीं होती, वो हम धकेल देते हैं अपने अनकॉन्शियस में। तो ड्रीम्स जो हैं वो बता कह रहा है, फ्रॉइड कहता है कि ड्रीम्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर यानी लाशौरी ख्वाहिशात, हमारी सोचें यानी थॉट्स, और हमारी मोटिवेशंस कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं। फ्रॉइड थॉट ड्रीम्स वर अ वे फॉर पीपल टू सेटिस्फाई अर्जेस एंड डिज़ायर्स दैट वर नॉट एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। बहुत सारी हमारी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं हम वो कर सकते, तो हम उसको हम अनकॉन्शियस में भेज देते हैं, तो वो ड्रीम्स में फिर वो आकर फुलफिल हो जाती हैं। जैसे हर इंसान, हम बहुत दफ़ा ये ड्रीम करते हैं कि वी आर फ्लाइंग, ये फ्लाइंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते फ्लाई किसी भी तरह से, लेकिन क्योंकि वो ख्वाहिश होती है तो वो हमारे ख्वाब में पूरी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है, एज़ द ड्रीम्स आर रिलेटेड टू स्लीप, नींद होगी तो ख्वाब होंगे, जागते वाले ख्वाब भी होते हैं लेकिन वो हम उनको डे ड्रीम्स कहते हैं, और दे आर एक्चुअली आर रियल थॉट्स, दे आर नॉट ड्रीम्स। स्लीप में जो ख्वाब आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर के हवाले से, और उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ स्लीप, व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी और बायोलॉजी ऑफ स्लीप, एंड व्हाट आर स्लीप स्टेजेस। ब्रीफ स्लीप, बहुत ब्रीफ बताऊंगी आपको मैं, ताकि आप फिर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि इन्हीं स्लीप स्टेजेस के साथ ही ड्रीमिंग जो है वो एसोसिएटेड है। तो अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कहते हैं चेंज होने वाली, तब्दील होने वाली, और कॉन्शियसनेस यानी शौरी तौर पर होना। तो हमारे शोर की बहुत सारी कैफियात होती हैं उनमें से, और जब वो चेंज होता है तो हम सो जाते हैं, सोने के दौरान हमारा जो कॉन्शियस है वो काम नहीं कर रहा होता। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बायोलॉजी ऑफ स्लीप, यानी हमें नींद कैसे आती है, व्हाई डू पीपल नीड टू स्लीप। द ह्यूमन बॉडी हैज़ बायोलॉजिकल रिदम्स और नेचुरल साइकिल्स दैट इट मोस्ट गो थ्रू, इंक्लूडिंग अ स्लीप वेक साइकिल which helps the body restore natural properties as well as consciousness. तो हमारे सोने और जागने का एक साइकिल है जो कि हर इंडिविजुअल के लाइफ स्टाइल के साथ एसोसिएटेड होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्ली वेकर्स होते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो लेट नाइट जागने वाले होते हैं, रात भर नहीं सोते और सारा दिन सोते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल क्या है। तो हमारा स्लीप वो एक साइकिल, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, वो इस तरह से डेवलप होता है। सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं हमारी जो नींद की टाइप्स होती हैं, साइकिल्स होती हैं। अ साइकिल ऑफ बॉडीली रिदम्स दैट अकर्स ओवर अ 24-आवर पीरियड। फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस मीन्स वी विल स्लीप वंस ड्यूरिंग एवरी 24 पीरियड। 24 घंटे में से एक दफ़ा हमने नींद लेना हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, और ये सर्कैडियन रिदम जो है ये इस चीज़ को सेट करता है। आवर सर्कैडियन रिदम इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, और वो लोग जो कि ड्रग्स पर होते हैं या जिनको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू होता है तो उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, या नींद बहुत कम आती है, इंसोमनिया हो जाता है, या फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है, हाइपरसोमनिया होता है, दोनों में से कोई भी कैफियत हो सकती है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ब्रीफली मैं बताऊंगी आपको। स्टेज वन विच लास्ट 5 to 15 मिनट्स, दिस इज़ वेरी लाइट स्लीप, सेंस ऑफ फॉलिंग कॉमन। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम सोने लगते हैं तो अर्ली जब हमारी स्लीप बिगिन होती है तो समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम नीचे गिरे और हमें झटका भी लगता है, तो ये इस अर्ली स्टेज में होता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, इसको नॉन रैम स्लीप कहते हैं, इसमें आई बॉल्स जो है वो मूव नहीं करती। स्टेज टू, दिस ऑल्सो लास्ट फाइव टू फिफ्टीन मिनट्स एंड इट इज़ अ लाइट स्लीप। ड्यूरिंग दिस स्लीप बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट रेट स्लोज डाउन, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। दूसरी स्टेज भी नॉन रैम है, इसमें आई बॉल मूव नहीं करती और हार्ट बीट और सांस की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है। स्टेज थ्री एंड फोर, ये भी 5 to 15 मिनट्स ईच हैं,
स्लो वेव डेल्टा स्लीप, इसमें ब्रेन वेव्स जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। स्टेज फोर स्लाइटली डीपर, ये कुछ थोड़ी सी गहरी नींद होती है। बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ, इसके जब हम इस स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ख़ुद ब खुद ही सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और मसल्स जो हैं वो एनर्जाइज होते हैं। और ये भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज है, इसमें भी आई बॉल मूव नहीं करते। लास्ट स्टेज 10 मिनट्स इन फर्स्ट साइकिल, जैसे बार बार नींद के साइकिल्स होते हैं तो पहले साइकिल में 10 मिनट तक हो सकती है, अप टू 1 आवर इन सबसीक्वेंट साइकिल्स ड्रीमिंग अकर्स। ये जो है ये रन स्लीप है और इसमें ख्वाब हम देखते हैं। ब्रेन एक्टिविटी सिमिलर टू वेकिंग लेवल्स, रैपिड आई मूवमेंट, रन स्लीप, स्लीप साइकिल रिस्टार्ट्स आफ्टर रैम। तो ये जो है इसमें रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं और ये ड्रीम स्लीप होती है। और देयर आर टू काइंड ऑफ स्लीप, ये मैं बता चुकी हूँ। रैम विच मीन्स रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप इन विच द आई मूव रैपिडली अंडर द आईलिड्स एंड द पर्सन इज टिपिकली एक्सपीरियंसिंग अ ड्रीम, उसकी आई बॉल्स मूव करती हैं और वो ख्वाब देख रहा होता है उस वक्त। ड्यूरिंग रैम स्लीप आर वॉलंट्री मसल्स आर इनहिबिटेड एंड वी एक्सपीरियंस वेरी लिटिल मूवमेंट, यानी इनको हम कहते हैं पैरालिसिस। बंदा जो है वो बिल्कुल मफलूज होता है इस वक्त, हम मूव नहीं करते, मूवमेंट फील नहीं होती, हमारी बॉडी जो है वो मफलूज होती है, पैरालाइज्ड होती है। नॉन रैम स्लीप दूसरी टाइप है जो कि इनिशियल होती है, जो रैम स्लीप होती है दिस इज़ अ वेरी डीप स्लीप। और नॉन रैम जो है ये लाइटर स्टेज है। एनी स्टेज ऑफ स्लीप दैट डू नॉट इंक्लूड रैम स्लीप, यानी जिसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होते, नॉन रैम स्लीप इज़ डीपर एंड पर्सन इज़ फ्री टू मूव अराउंड। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, होती है डीपेस्ट नहीं होती, और इसमें जो है वो नहीं होता पैरालिसिस, नहीं होता मफलूज, नहीं होता, इंसान मूव कर सकता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ स्लीप, जो ब्रेन वेव्स होती हैं, ब्रेन वेव्स में बीटा वेव्स होती हैं, अल्फा वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स होती हैं, थीटा वेव्स होती हैं। तो बीटा वेव्स हैं स्मॉल फास्ट वेव्स दैट इंडिकेट अलर्टनेस एंड मेंटल एक्टिविटी, ये शुरू में होती हैं, तेज़ होती हैं और छोटी होती हैं, ऊंची नहीं होती ज़्यादा। अल्फा वेव्स जो हैं लार्जर स्लोअर ब्रेन वेव्स दैट इंडिकेट रिलैक्सेशन और लाइट स्लीप, ये जो वेव्स होती हैं ये लाइट स्लीप को और रिलैक्सेशन को बताती हैं के बारे में को एक्सप्लेन करती हैं। बीटा वेव्स स्मॉल फास्ट वेव्स दैट इंडिकेट अलर्टनेस एंड मेंटल एक्टिविटी। अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स वेरी लार्ज वेरी स्लो वेव्स दैट इंडिकेट द अर्ली स्टेजेस ऑफ स्लीप, एंड डेल्टा वेव्स लॉन्ग स्लो ब्रेन वेव्स दैट इंडिकेट द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप। आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या इतनी वेव्स के नाम है, बस इनको पढ़ लें। लेकिन स्लीप स्टेजेस जो हैं रैम और नॉन रैम स्टेज और 1, 2, 3, 4, 5 जो स्टेजेस हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो नॉन रैम और रैम स्लीप ये ज़्यादा आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद जी स्टेजेस ऑफ स्लीप जो हैं, नॉन रैम स्टेज जो है उसमें क्या होता है, लाइट स्लीप होती है। इफ़ अवेकेंड ऑफन डोंट बिलीव यू वर एक्चुअली स्लीप, अगर आपकी जाग हो जाए तो आपको लगता है कि आप सोए नहीं थे। मे एक्सपीरियंस विविड विजुअल इवेंट्स कॉल्ड हिप्नागॉजिक इमेजेस, आप मतलब कोई ना कोई ऐसा लगता है कि कोई ख्वाब देखा है, लेकिन सोते जागते की कैफियत होती है, इसलिए आपको ना तो वो ख्वाब लगता है ना वो रियलिटी लगती है। हिप्नागॉजिक यानी जो कि रियलिटी ना हो, ना लगे। और इस तरह से हाइपनिक जर्क, ये सब ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। और बार दफ़ा लोग पूछते हैं कि ये कोई बीमारी तो नहीं है, कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं है, खुदा खास्ता कोई एपिलेप्सी या मिर्गी तो नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये सब के लिए होता है, नॉर्मल होता है। जर्क ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ और फॉलिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि हमारी टांग को झटका लगा है और लगता भी है, और साथ ही ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं, लेकिन फौरन ही हमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम जाग बिल्कुल हवास हमारे कायम हो जाते हैं और फिर हम दोबारा सोने लगते हैं। एक्चुअली इसके बाद इंसान काफ़ी रिलैक्स भी हो जाता है। स्टेजेस ऑफ स्लीप जो स्टेज टू है उसमें नॉन रैम स्टेज टू ड्रिफ्टिंग इनटू डीपर स्लीप, ड्रिफ्टिंग कहते हैं जाना किसी की चीज़ की तरफ जाना। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है,
और ये मतलब रिलैक्सेशन की तरफ हमें जो है हमारा स्लीप जो है वो लेकर जा रही होती है। तो उसके बाद स्टेजेस 3 और 4 या वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी स्टेज 2 जो है ये भी नॉन रैम स्लीप है और इसमें भी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, हार्ट रेट स्लो डाउन होती है जो प्रीवियसली आपने पढ़ लिया। यहाँ मैं आपको रैम स्लीप की पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। रीच्ड एट द टॉप ऑफ स्लीप साइकिल, कंडीशंस ऑफ रैम स्लीप, बॉडी टेम्परेचर नियर वेकिंग लेवल्स, आई मूव रैपिडली अंडर द आईलिड्स। ये आपको यहाँ पर आप जो नज़र आ रहा है ये आईलिड्स जो हैं ये दाएं बाएं मूव करती रहती हैं और जो है इसमें मोस्ट ड्रीम्स अकर इन रैम स्टेज, रैम रैपिड आई मूवमेंट में ही हम ख्वाब देखते हैं। और रैम पैरालिसिस कहते हैं मफलूज हो जाने को, द इनएबिलिटी ऑफ वॉलंट्री मसल्स टू मूव ड्यूरिंग रैम स्लीप। जो हमारे ऐसे मसल जो कि हमारी टांगों के हैं, बाजू के हैं, जिसके ज़रिए हम चलते फिरते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और इसलिए रैम स्लीप जो वो बहुत डीप स्लीप होती है, इसमें इंसान मूव नहीं कर सकता, नहीं करता। तो ये हैं जी। इसके बाद ड्रीम्स क्या होते हैं, वाई डू वी ड्रीम, ड्रीम के बारे में पहले आपने पढ़ भी लिया है। देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट वाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्सपीरियंस ड्रीम। एक रिसर्च स्टडी ये बताती है कि बिफोर बर्थ जो ह्यूमन बींग्स ह्यूमन चाइल्ड होता है, जो अभी पैदा नहीं हुआ होता, जो एम्ब्रियो या इसमें होता है पैदाइश से पहले की स्टेज में होता है, तो वो भी ड्रीम करता है। तो फ्रॉइड कहता है कि हम जो है वो अपनी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो सकती फुलफिलमेंट के लिए ड्रीम करते हैं। जो ख्वाहिशात हमारी जागते में नहीं पूरी हो सकती वो ख्वाब में पूरी हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, और यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ख्वाबों में मिलती है, जैसे सिक्स सेंस के बारे में आपने पढ़ा था, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बगैर फिजिकल सेंसेस के हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई ख्याल हमारे अंदर बैठ जाता है, कोई इतला जैसे हमें मिलती हो तो वो भी समटाइम्स ख्वाब से मिलती है। तो ये इसकी दो मेन जो हैं वो थ्योरीज हैं। उसके बाद ये फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन को आप रहने दें, वैसे चलें बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये आपने नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे। फ्रॉइड ये कहता है कि dreams are royal roads to the unconscious. Freud believed that problems stem from the unconscious mind, repressed events or traumas. जो हमने ज़बरदस्ती अपनी ना पसंदीदा और ना खुशगवार यादें जो हैं वो भुलाई हुई होती हैं वो अनकॉन्शियस में होती हैं, लेकिन वो बहुत टाइम बार बार जो है वो ख्वाबों में आती हैं। Freud used symbolism to interpret how dreams were linked to unconscious. उसने कहा था ड्रीम्स जो है उसका कंटेंट दो तरह का होता है, उसका जो भी जब ख्वाब देखते हैं ना उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक को उसने नाम दिया मैनिफेस्ट कंटेंट। मैनिफेस्ट मींस क्लियर विविड एंड वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा वाजे होना। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द ड्रीम, जैसे आपने जो भी ख्वाब में देखते हैं जो उसका मटीरियल होता है वो आपका वो मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, चैड ड्रीम्स ही इज़ ट्राइंग टू क्लाइम आउट ऑफ अ बाथ टब। बच्चा है एक और वो ख्वाब देखता है कि वो बाथ टब के बाहर निकल रहा है, ये है उसका मैनिफेस्ट कंटेंट कि चैड इज़ ट्राइंग टू क्लाइम आउट ऑफ अ बाथ टब। जो ख्वाब उसने देखा और बताया वो है उसका मैनिफेस्ट कंटेंट। अब एक उसका होता है लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कहते हैं हिडन, छुपा हुआ, खुफिया। द हिडन मीनिंग ऑफ अ ड्रीम, एग्जाम्पल द बाथ। अब इसमें कैसे हम बताएंगे, जो ताबीर करेगा वो बताएगा कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। द बाथ टब सिम्बलाइजेज बर्थ, बाथ टब का मतलब है पैदाइश। द वाटर सिम्बलाइजेज द वोम्ब ऑफ हिज मदर, पानी जो उसकी माँ का की वोम्ब होती है। और चैड इज ट्राइंग टू एस्केप हिज मदर्स वोम्ब इन द ड्रीम, यानी वो अपनी माँ से छुटकारा हासिल करना चाहता है उसके जो उसका हम कह सकते हैं इफ़ेक्ट है उसके ऊपर, जो उसका कंट्रोल है वो उससे छुटकारा पाना चाहता है और इसलिए वो ख्वाब में ये देख रहा है। तो लेटेंट कंटेंट वो होता है जो कि छुपा हुआ मफहूम होता है, और ये ख्वाबों की ताबीर में लेटेंट कंटेंट जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड साइको एनालिस्ट जो है वो इसको इस्तेमाल करके तो ख्वाब का जो मैनिफेस्ट कंटेंट है उसकी
का एनालिसिस करता है और उसकी तशरीह करता है, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन देता है। व्हाट डू पीपल ड्रीम अबाउट, बहुत हर इंसान के अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स होते हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सल ड्रीम्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, मोस्ट ड्रीम्स रिफ्लेक्ट एवरीडे लाइफ, जो कुछ भी हम दिन भर में कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में उसी की तरह के ख्वाब हमें आते हैं। मोस्ट ड्रीम्स आर कलर्ड होते हैं, कलर्स हमें महसूस होते हैं। आज आपने ख्वाब देखना है तो ज़रा ध्यान देना है कि आपको कलर्ड नज़र आ रहा है या ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ लिखी हुई है कि दोज बॉर्न बिफोर कलर टीवी विल ड्रीम इन ब्लैक एंड वाइट। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सेंस ऑफ इट, बिकॉज कलर टीवी नहीं भी था तो लोग कलर्स तो देखते थे। बहरहाल यहाँ इन्होंने स्टडी में कहा है कि जिन्होंने कलर टीवी नहीं देखा वो ब्लैक एंड वाइट ड्रीम्स देखते होंगे। कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, हर कल्चर के लोग डिफरेंट ड्रीम करते हैं। जैसे US हाई लेवल्स ऑफ एग्रेशन वर्सेस नीदरलैंड्स लो लेवल्स ऑफ एग्रेशन। US में रहने वाले जो लोग हैं उनके ख्वाबों में जो एग्रेसिव कंटेंट ज़्यादा होता है, नीदरलैंड्स वाले जो हैं उनमें बहुत कम होता है। ये डिपेंड करता है आपकी, आप किस जियोग्राफिकल एरिया में हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी फैमिली कैसी है, आपका सेटअप कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप वैसे ही जो है वो ड्रीम्स देखते हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ड्रीम्स, कि फीमेल्स और मेल्स के ड्रीम्स में क्या डिफरेंस होता है। फीमेल्स टेंड टू ड्रीम अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली, रेयरली फिजिकली एग्रेसिव बट ऑफन विक्टम्स ऑफ एग्रेशन। वो खुद अपने आप को एग्रेसिव नहीं देखती लेकिन उन्हें लगता है कि लोग जो हैं वो उनको शिकार कर रहे हैं अपने गुस्से का। कॉमन ड्रीम थीम्स, पीपल दे नो, पर्सनल अपीयरेंस कंसर्न्स, फैमिली एंड होम। उनके जो ड्रीम्स हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं टूवर्ड्स देयर, उनके अपने लुक्स के बारे में, वो अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, फैमिली के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, और जो उनके जिन लोगों को वो जानती हैं उनके बारे में। मोर रोमांटिक ड्रीम्स यूजली विद समवन दे नो, तो उनकी क्योंकि सेंटीमेंट्स बहुत फाइन होते हैं तो इस वजह से वो रोमांटिसिज्म बेस्ड होते हैं उनके ड्रीम्स। नाउ मेल्स क्या ड्रीम करते हैं, दे टेंड टू ड्रीम मोर कॉमनली अबाउट मेल्स। मेल जो है वो मोर कॉमनली मेल्स को ही ड्रीम करते हैं। हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल एग्रेशन एज एग्रेसर, अपना गुस्सा निकालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन की को एक्सप्रेस करने की इजाज़त हमारी सोसाइटी नहीं देती, तो वो ड्रीम्स में ही अपना एग्रेशन जो है वो निकालते हैं। कॉमन ड्रीम थीम्स, आउटडोर अनफेमिलियर सेटिंग इन्वॉल्व वेपन्स टूल्स कार्स एंड रोड्स, जो भी उनका लाइफस्टाइल होता है इस तरह के ख्वाब देखते हैं। तो ये जो है ये इनका डिफरेंस होता है। नाउ अ ड्रीम, व्हाट इज़ अ ड्रीम, अ ड्रीम इज़ अ सक्सेशन ऑफ इमेजेस। सक्सेशन मीन्स बात तरतीब में रिपीट होना। आइडियाज़, इमोशंस एंड सेंसेशंस दैट यूजली अकर इनवॉलेंटरीली इन द माइंड ड्यूरिंग सर्टन स्टेजेस ऑफ स्लीप, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होते। अगर मर्ज़ी से हो तो हर कोई अपनी पसंद के ख्वाब देखता रहे, ये हमें पता भी नहीं चलता कि क्या चीज़ कहाँ से कब हमारे ड्रीम में आ जाती। तो ये इसकी ड्रीम की डेफिनेशन है। द कॉन्टेंट एंड फंक्शन ऑफ ड्रीम्स आर नॉट फुली अंडरस्टूड ऑल्दो देयर हैव बीन टॉपिक ऑफ साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट थ्रू आउट रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो बस यहाँ तक ही आप कर लें, इन द स्टेजेस ऑफ स्लीप ये जो है ये ड्रीम होता है जो हम नींद में देखते हैं। ड्रीम्स मेनली अकर इन द रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप व्हेन ब्रेन एक्टिविटी इज हाई एंड रिजेंबल्स दैट ऑफ बीइंग अवेक। रैम स्लीप इज रिवील्ड बाय कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ द आई ड्यूरिंग स्लीप, एट टाइम्स ड्रीम में अकर ड्यूरिंग अदर स्टेजेस ऑफ स्लीप। अच्छा, यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा ये कम कर देती हूँ। REM sleep is revealed by continuous movements of the eye during sleep. At times, dream may occur during other stages of sleep. However, these dreams tend to be much less vivid or memorable. The length of a dream can vary. They may last for a few seconds or approximately 20 to 30 minutes. तो यानी अभी पहले हम बात कर चुके हैं कि ड्रीम्स जो हैं वो
रेम स्लीप में होते हैं और 20-30 मिनट्स तक इनका ड्यूरेशन होता है। तो ये जो है इन्हीं ड्रीम्स के बारे में अब आपने देख लिया कि क्या होते हैं और इनका ड्यूरेशन क्या हो सकता है। नाउ व्हाट आर द अदर कॉन्स्ट्रक्ट, इन फैक्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट विच वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द टाइटल ऑफ योर लेक्चर वॉज द साइको एक्टिव ड्रग्स। साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? साइको एक्टिव ड्रग्स ऑल्टर योर ब्रेन। ऑल्टर कहते हैं चेंज करने को, तब्दील करने को। हैव यू एवर हर्ड द टर्म साइको एक्टिव ड्रग्स? शायद आप में से किसी ने कभी सुनी हो या कभी आपकी नज़र से गुजरी हो। मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। बहरहाल मास्टर्स लेवल पर जब आप जाएंगे तो साइको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एक आपका कोर्स होगा जिसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स इन दिस कैटेगरी एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अल्टर इट्स नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटी कॉजिंग चेंजेस इन मूड अवेयरनेस एंड बिहेवियर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, ये हमारे ब्रेन और नर्वस स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट करता है और ये हमारे एक्चुअली इट इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटायर बॉडी सिस्टम्स। हमारी पूरी जिस्म के जो निज़ाम हैं उनको कंट्रोल करने वाला ये सिस्टम है। और साइको एक्टिव ड्रग्स जो हैं वंस दे आर टेकन दे एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आल्टर इट्स नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटी। जो उसकी एक्चुअल नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसको चेंज करती हैं और चेंज करने के नतीजे का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? दे विच कॉजेज चेंजेस इन मूड अवेयरनेस एंड बिहेवियर। हमारा मूड जो है वो चेंज होता है और हमारी अवेयरनेस माहौल के बारे में जानने की जो सलाहियत है वो, और हमारा बिहेवियर इफेक्ट होता है। जैसे अगर अल्कोहल को लें आप, शराब जो होती है उसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो मूड और साइकोमोटर बिहेवियर में आते हैं। साइकोमोटर ड्रग्स डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन। सो यूजिंग, बस इसका भी यहीं तक ही आप कर लें, फिर मैं शॉर्ट कर देती हूँ। यहीं तक आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लें। साइको एक्टिव सब्सटेंस इन अदर डेफिनेशन, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट अफेक्ट हाउ द ब्रेन वर्क्स एंड कॉजेज चेंजेस इन मूड अवेयरनेस थॉट्स फीलिंग्स ऑफ बिहेवियर। एग्जाम्पल ऑफ साइको एक्टिव ड्रग साइको एक्टिव सब्सटेंसेज इंक्लूड अल्कोहल, यानी जिसको मतलब आम जबान में शराब भी कहते हैं, या वो कहते हैं आप उसको वाइन। कैफीन, कैफीन जो है ये एक केमिकल है जो कि कॉफ़ी और कुछ टी में भी हो, चाय में भी होता है। निकोटीन सिगरेट के अंदर पाया जाता है ये। मारिजुआना एंड सर्टन पेन मेडिसिन, मारिजुआना जो है ये भी एक ड्रग है जिसके बारे में थोड़ा सा आप मज़ीद आगे पढ़ेंगे। मैनी इलीगल ड्रग्स सच एज हेरोइन, एलएसडी, कोकेन एंड एम्फेटामिन्स आर आल्सो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, आल्सो कॉल्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। नशा आवर जो दवाइयाँ होती हैं वो भी इसमें जो आती हैं उनमें से एलएसडी, कोकेन, हेरोइन, एम्फेटामिन्स जो है वो शामिल हैं। एक और डेफिनेशन साइको एक्टिव ड्रग्स की, इट इंक्लूड्स, डेफिनेशन नहीं बल्कि ये क्लासिफिकेशन है, टाइप्स। साइको एक्टिव ड्रग्स इंक्लूड फोर ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स, चार ग्रुप्स हैं इनके। इसके आगे मैं स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ आपको। डिप्रेसेंट्स जो कि नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, स्लो डाउन करती हैं, लाइक अल्कोहल एंड स्लीपिंग पिल्स जो आप नींद के लिए मेडिसिन लेते हैं, दे आर डिप्रेसेंट्स। स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट कहते हैं एक्टिव करने वाला, लाइक निकोटीन सिगरेट। कैफीन भी स्टिमुलेंट है, निकोटीन सिगरेट में होती है और कॉफ़ी अगर आप रात को पिए तो आपको नींद नहीं आती आपने, और चाय में भी होती है तो चाय पीने से भी आपको नींद नहीं आती। तो रीज़न यही है कि इसके अंदर निकोटीन और कैफीन होती है जो कि ब्रेन को एक्टिव कर देता है और हमारी नींद को जो है वो, एंड एक्सटेसी ये जो है ये जिसे हम कहते हैं ना सुरूर की कैफियत, लुत्फ और सुरूर की कैफियत, हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस ये इंड्यूस करता है। ओपियोइड्स लाइक हेरोइन एंड पेन मेडिकेशन, ओपियोइड्स जो हैं ये वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिनसे दर्द कम होता है, पेन किलर जिनको हम कहते हैं। और हेलुसिनोजेंस ये एक और ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि हेलुसिनेशन लाइक कंडीशन इंड्यूस करता है, ये आगे आपको
रहूँगी, ज़्यादा इस पर हम फोकस नहीं करेंगे बिकॉज यू पीपल मे नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ हेलुसिनेशन, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है और अभी भी आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ साइको एक्टिव ड्रग्स की जो ग्रुप्स हैं चार, उनको हम देख लेते हैं। वॉट आर साइको एक्टिव ड्रग्स? साइको एक्टिव ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट ऑल्टर द स्टेट ऑफ द ब्रेन। देर आर फोर टाइप्स ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स विच आर स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स, नारकोटिक्स एंड हेलुसिनोजेंस। ये हो गई। अब स्टिमुलेंट्स क्या होती हैं? स्टिमुलेंट्स द ड्रग्स दैट स्पीड अप द नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम को तेज़ कर देती हैं, स्पीड बढ़ा देती हैं। और इसमें क्या आती हैं? एम्फेटामिन्स हैं, कोकेन, निकोटीन एंड कैफीन। ये मैंने आपको बताया, ये सिगरेट में, चाय में और कॉफ़ी में निकोटीन और कैफीन होती है। कोकेन जो है ये एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको लोग स्निफ करते हैं, सूंघते हैं। एम्फेटामिन्स जो हैं इनके भी इंजेक्शंस भी होते हैं और ये मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं। सम स्टिमुलेंट्स आर फाउंड इन पेन रिलीविंग, स्टिमुलेंट्स आर हाईली एडिक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इनकी आदत हो जाती है, नशा जैसे लग जाता है। स्टिमुलेंट्स जो हैं एडिक्टिव होते हैं इन प्रॉपर्टीज। इसको चंद दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है और फिर डिमांड करती है अगर आप ना लें तो आपको तकलीफ होती है, विदड्रॉल सिम्टम्स होती हैं। दूसरी टाइप है जी डिप्रेसेंट्स। दीज आर द साइकोएक्टिव ड्रग्स दैट डिक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्लो डाउन करती हैं ब्रेन को। और इसमें जो आती हैं अल्कोहल है, बारबिट्यूरेट्स हैं और बेंजोडाइज़ेपिन्स, माइनर ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। तो इसमें अल्कोहल का ही आप नाम याद रख लें। और ये भी हाईली एडिक्टिव होते हैं, दे बिकम वेरी डेडली विद हायर डोजेज। अगर बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार लें तो ये डेडली होता है, कैंसर लंग्स का हो जाता है और फिर मल्टीपल जो है डिसऑर्डर्स, इससे लिवर साइरोसिस इससे हो जाता है ज़्यादा लेने से। तो इससे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं और ये डेडली यानी कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स आर द साइकोएक्टिव ड्रग्स दैट एलिमिनेट पेन बाय नंबिंग द पेन रिसेप्टर्स। नंब कहते हैं सुन कर देना, जो पेन के रिसेप्टर्स हमारी स्किन के नीचे होते हैं उनको ये सुन कर देती हैं और उसकी वजह से पेन किलर्स वाला इफेक्ट ये होता है। और ये ऑल नारकोटिक्स आर रिजल्टेंट ऑफ ओपियम। अफीम एक केमिकल है, ये उससे बनते हैं और इसमें मॉर्फीन, हेरोइन शामिल हैं और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं। ये भी हाईली एडिक्टिव होती हैं, नाम से ही इनके पता चल रहा है। और हेलुसिनोजेंस, ये एक बड़ा मिस्टीरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। और ये जो हैं ये ड्रग्स क्रिएटेड बाय मैन टू अल्टर द सेंसेस, ये सिंथेटिक होती हैं। ये जो अभी पीछे जितनी भी आपने देखी हैं ये पॉपी सीड्स, खशखाश का जो पौधा होता है ना उससे बनती हैं। और उसके अंदर से मतलब उसको मुख्तलिफ उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस उसमें करने से कुछ कोई जो है वो हीरोइन बन जाती है, कोई जो है वो भंग बन जाती है, चर्स बन जाती है। और इस तरह से रॉ फॉर्म में भी लेने से जो है वो इसमें इसका नारकोटिक्स की तरह की इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन हेलुसिनोजेंस जो हैं ये सिंथेटिक होते हैं, जो मैन मेड हैं। और इसमें लाइसर जैसे थाइलामाइड, जिसको LSD कहते हैं, और लाइसर्जिक डाइथाइलामाइड, फिनाइल क्लोरो PCP और MDMA एक्सटेसी ड्रग जो है, यानी इसको लेने से जो है वो सुरूर और नशे ऐसी कैफियत होती है कि इंसान को ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं जो एक्चुअली नहीं होती। तो इस कैफियत को हेलुसिनेशन कहते हैं, जो कि एक शिज़ोफ्रेनिया बीमारी है जिसका कि एक सिम्टम है कि अन जो चीज़ें जो प्रेजेंट नहीं होती उनको सेंस करना। तो हेलुसिनोजन ड्रग्स जो हैं ये हेलुसिनेशन इंड्यूस करती हैं और ये भी हाईली एडिक्टिव होती हैं। नाउ हमने चार ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स देख ली, ड्रीम्स और स्लीप का भी हमें पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो ड्रग्स हैं इनका हमारी नींद पर और हमारे ड्रीम्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो द इफ़ेक्ट्स ऑफ एथेनॉल, एल्कोहल
ऑन स्लीप आर कॉम्प्लेक्स एंड सम वॉट पैराडॉक्सिकल, अजीब होते हैं इनके इफेक्ट्स, क्योंकि अल्कोहल जो है ये एक जो है ये डिप्रेसेंट है बेसिकली, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो करती है। द एक्यूट बेड टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एथेनॉल, यानी अल्कोहल अगर सोते हुए बहुत सारी ले लें, नॉन अल्कोहलिक वॉलंटियर्स, ऐसे लोग जो कि अल्कोहल नहीं लेते थे, तो वो जब उनको दे दी जाए तो इट शॉर्टन्स द लेटेंसी टू स्लीप ऑनसेट एंड डिपेंडिंग ऑन डोज मे इनिशियली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रिलैक्स्ड स्लीप। ऐसे लोग जो कि नशे के आदि नहीं हैं, उनको अगर बहुत सारी मिकदार में ये अल्कोहल दे दी जाए तो उनको नींद अच्छी नहीं आती और उसका जो है लेटेंसी पीरियड जो है वो कम हो जाता है और वो साउंड स्लीप नहीं ले सकते। तो ये किसकी इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहल के? मॉर्फीन, मॉर्फीन जो है ये ओपिएट एनल्जेसिक है और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, और ये जो है ये स्टिमुलेंट है बेसिकली, यानी ये जो है नर्वस सिस्टम को तेज़ करती है। ये भी पोपी सीड्स, जिसको हम कहते हैं ना खशखाश का पौधा, उससे ये डिराइव्ड है। इट डिक्रीजेज द नंबर एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेम स्लीप एपिसोड्स एंड डिलेज द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट रेम पीरियड। क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, तो हमारी नींद को भी कम करता है, रेम स्लीप को भी कम करता है। रेम स्लीप जो है वो ड्रीम स्लीप होती है, तो ड्रीम स्लीप जो है वो नहीं होगी तो ख्वाब भी नहीं आएंगे या कम आएंगे। इट ऑल्सो इंक्रीजेज वेकनिंग्स एंड लाइट स्लीप एंड सप्रेसेस स्लो वेव स्लीप। तो ये जो है ये नींद को बेसिकली कम करती है, तो ये इसका इफेक्ट है। और कैफीन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कैफीन जो है वो कॉफ़ी और चाय में इस और बहुत ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होता है। तो कैफीन इंटरफेयर विद स्लीप इन मोस्ट नॉन टॉलरेंट इंडिविजुअल्स, वंस टॉलरेंस हैज़ डेवलप्ड पीपल आर मच लेस लाइकली टू रिपोर्ट स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ऐसे लोग जो कभी कभी लेते हैं, ये नॉन टॉलरेंट कहते हैं जो टॉलरेट ना कर सकते हों, जो कभी कभी चाय या कॉफ़ी पीते हैं, जब वो जब भी पियेंगे उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन एक दफ़ा वो लोग जो कि आदी होते हैं चाय और कॉफ़ी की, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनके कैफीन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत रहती है हर वक्त, तो उनके ऊपर जो है वो कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, वो जितनी भी पी लें चाय या कॉफ़ी उनको नींद फिर आ जाती है। तो नॉन टॉलरेंट जो हैं उनको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जो टॉलरेंट होते हैं, जो बर्दाश्त कर चुके होते हैं, जो आदी हो चुके होते हैं, दे रिपोर्ट लेस लाइकली टू रिपोर्ट स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और दे मे सेंस दैट देयर इनएबिलिटी टू स्लीप बिकॉज ऑफ कैफीन इनटेक हैज़ कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड। यानी वो ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हमें हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। टू इलस्ट्रेट, 53% ऑफ दोज कंज्यूमिंग लेस दैन 250 mg पर डे, अबाउट 2 to 3 cups ऑफ कॉफ़ी, एग्रीड दैट कैफीन बिफोर बेड टाइम वुड प्रिवेंट स्लीप। यानी जो कम पीते थे 2 to 3 cups, वो कहते थे कि हमारी नींद जो है वो कैफीन से कम हो जाती है। लेकिन 43% या पूरी नहीं, मैंने उसको लंबा हो जाता था, तो वो लोग जो कि ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे, उन्होंने कहा कि हमारी नींद पर इस कॉफ़ी के पीने का कोई खास इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हम कह सकते हैं कि क्योंकि कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट है, नर्वस सिस्टम को तेज़ करती है, सो इट इंटरफेयर्स विद द ऑनसेट ऑफ स्लीप एंड ड्रीम। ये नींद के आने में रुकावट डालती है और जो ड्रीम्स हैं वो हम सारे नींद नहीं आएगी सही, फिर ड्रीम्स नहीं हम देख सकते। ये रिपीट हो गया पेज। निकोटीन हैज़ अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑन स्लीप। निकोटीन जो अब मैंने आपको बताया था कि ये सिगरेट में होती है, तो ये भी अजीब सा एक इफेक्ट करती है। इन अ स्टडी यूजिंग रैट्स, द हायर द डोज ऑफ निकोटीन दैट वॉज एडमिनिस्टर्ड द लोअर द टोटल स्लीप टाइम। तो ये भी क्योंकि स्टिमुलेंट है, तो रैट्स को उन्होंने जब ये इंजेक्ट किया निकोटीन, तो उनमें जितना ज़्यादा इंजेक्ट किया उतनी उन्हें कम नींद आई। तो यानी ये भी रैम स्लीप और नींद के साथ जो है वो इंटरफेयर करता है। इन अ स्टडी दैट ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ट्रांस डर्मल पैचेस ऑन डिप्रेस्ड पेशेंट्स, निकोटीन इंक्रीज्ड रैम स्लीप टाइम एंड एलिविएटेड सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो है ये और फैक्ट्स किसमें आ रहे हैं कि ये एक और ग्रुप पर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसने डिप्रेशन भी कम कर दिया इसने और उनको नींद ज़्यादा आई। तो पैराडॉक्सिकल है, यानी कभी कोई रिजल्ट देता है कभी कोई और रिजल्ट देता है।
तो इसमें बस एक ही आप इसका रूम में रख लेंगे, इससे नींद कम हो जाती है। अच्छा, अब तो हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो इट विल गो टू कंफ्यूज यू ऑल। सो आई हैव टेकन अ फ्यू ऑफ ड्रग्स जिनके उनके नींद और ख्वाबों पर क्या असरात होते हैं। तो अब हमारा जो एंड है वो ये है कि मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स विच आर ऑल्सो ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, यानी अब्यूज़ कहते हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं अक्सर मेडिसिन ड्रग्स और ये जो है नारकोटिक ड्रग्स भी हैं, नशा भी पैदा करती हैं। तो ये दीज ड्रग्स सीम टू अल्टर स्लीप एंड स्पेसिफिकली द अमाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ रेम स्लीप, ये जो है ये चेंज करती हैं हमारी नींद को, स्पेशली जो रेम स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप जिसको हम डीप स्लीप और ब्रेन स्लीप भी कहते हैं, उसको ये कम करती है। ईच अफेक्ट्स केमिकल्स इन द ब्रेन दैट कंट्रोल स्लीप एंड वेक एंड विद क्रॉनिक यूज सम अडेप्टेशन सीम टू अकर। ये करती क्या है ये दवाइयाँ, ये हमारे ब्रेन के वो केमिकल्स जो कि स्लीप और वेक में इन्वॉल्व होते हैं उनको चेंज कर देती हैं, यानी जिस वक्त हमें नींद आती है उस वक्त कोई एक ख़ास केमिकल जो है वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा हो जाता है, एसिटाइल कोलिन जैसे और वो ऐसे केमिकल्स जो बढ़ जाते हैं, तो ये उनको कम कर देता है जिससे हमें नींद कम आती है। तो इस तरह से ये ब्रेन केमिकल्स के साथ जाकर इफ़ेक्ट करता है या उनको ऑल्टर करता है जिससे हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। मोस्ट साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन स्लीप एंड पर्टिकुलरली ऑन रेम स्लीप। व्हाइल द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन रेम स्लीप आर नोन, देयर इफेक्ट्स ऑन ड्रीमिंग आर बीइंग स्टडीड। गिवन द एसोसिएशन ऑफ रेम स्लीप एंड ड्रीमिंग, वन माइट थिंक दैट रेम एनहेंसिंग ड्रग्स वुड इंक्रीज ड्रीमिंग व्हाइल रेम सप्रेसिंग ड्रग्स वुड डिक्रीज ड्रीमिंग। एक दफ़ा मैं फिर आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मोस्ट साइकोएक्टिव ड्रग्स इन वो ड्रग्स जो कि नर्वस सिस्टम के साथ इंटरफेयर करके उसकी फंक्शनिंग को चेंज करती हैं और उसके नतीजे में हमारे मूड, हमारे बिहेवियर और हमारी मोटिवेशन और हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी को भी चेंज करती हैं। तो ये ड्रग्स जो हैं ये इनके प्रोफाउंड यानी बहुत ज़्यादा नुमायाँ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी स्लीप पर, स्पेशली ऑन द रेम स्लीप जो कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है और ये ड्रीम स्लीप और डीप स्लीप है। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये ड्रग्स जो हैं ये हमारी रेम स्लीप और स्लीप ड्रीम्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं। व्हाइल द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन रेम स्लीप आर नोन, देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ड्रीमिंग आर बीइंग स्टडीड। ये तो हमें पता चल गया कि रेम स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन ड्रीम्स के ऊपर जो है वो क्या असर होता है इसके ऊपर स्टडीज़ अभी जारी हैं और अभी तक कोई कन्फर्म्ड या क्लियर डाटा हमें अवेलेबल नहीं है। गिवन द एसोसिएशन ऑफ रेम स्लीप एंड ड्रीमिंग, अब जैसे कि मैंने बताया कि रेम स्लीप और ड्रीमिंग का एक ख़ास ताल्लुक है, ड्रीम कभी भी किसी और नींद में आ नहीं सकता। रेम स्लीप जो कि डीप स्लीप होती है, लास्ट स्टेज ऑफ स्लीप है जो कि सोने के कुछ टाइम, कुछ मिनट्स, आधे घंटे के डेढ़ से लेकर डेढ़ घंटे तक आती है। तो हम ये कह, अगर हम इस एसोसिएशन को देखें तो वन माइट थिंक, कोई इंसान ये सोच सकता है कि दैट रेम एनहेंसिंग ड्रग वुड इंक्रीज ड्रीमिंग, वो ड्रग्स जो कि रेम को बढ़ाती हैं यानी रेम स्लीप को बढ़ा देती हैं, तो उसकी वजह से ख्वाब भी ज़्यादा आने चाहिए। वाइल रेम सप्रेसिंग ड्रग्स यानी वो मेडिसिन जो कि रेम को कम कर देती हैं वो डिक्रीज ड्रीमिंग, उनके नतीजे में हमारे ख्वाब भी कम हो जाने चाहिए। बट नो डाटा सजेस्ट सच अ सिंपल रिलेशनशिप आफ्टर द, इससे हमें अभी तक जो है वो कोई क्लियर डाटा नहीं पता चला कि क्या वाकई ऐसा होता है, इसके लिए मज़ीद स्टडी की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये कि अब जो है आज हमने कुछ हद तक बहुत ब्रीफली बहुत सिंपली जो है वो ये देख लिया कि क्या ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होती हैं और इन ड्रग्स का हमारे ड्रीम्स के ऊपर क्या असरात होते हैं, हमारी स्लीप के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो ये ब्रीफ जो है इसको आपने पढ़ लेना, इसका जो PDF फॉर्म है वो मैं आपको, इसका भी और पिछले लेक्चर का भी, क्योंकि वो बुक में नहीं है तो मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, तो उसको जो है वो आप लेकर नोट्स बना सकते हैं। आप उसको ओपन करेंगे तो आपके नोट्स जो हैं वो बन सकते हैं, उसके बारे में छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।
आई होप आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इसका समझ आएगा और ध्यान देने की ज़रूरत है तभी आप इसको समझ सकते हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।